अभी तक आपने बहुत से कलयुगी बच्चों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कलयुगी माँ के किस्से सुने हैं? आपको बता दें, संसार में कुछ महिलाएं होती हैं जिनके शादीशुदा होने के बाद भी अफेयर चलते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ गंदा बर्ताव करती हैं। आज हम आपको इन सबसे अलग एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसमें महिला ने अपने शौक की वजह से बच्चे की जान ले ली। अब आप भी हैरान हो रहे होंगे कि भला कोई अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता है। बता दें कि ये घटना रूस की है, जहां महिला को घूमने फिरने का भूत सवार था। वो अपने स्वार्थ की वजह से अपने मासूम बच्चे की भूख प्यास को भी नहीं देखती थी। महिला अपने पति और 9 महीने के बच्चे के साथ रह रही थी। जब उसका पति मिलिट्री सर्विस ड्यूटी के लिए निकल जाता, तब वो बच्चे को कमरे में बंद कर दिया करती थी और अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लेकिन एक दिन जब वो वापस लौटी तो ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर किसी भी महिला के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चा हर रोज भूखा प्यासा रोता रहता था, इस कदर तड़पता था कि पड़ोस वालों को भी दया आ जाती थी। इसी की वजह से एक दिन पड़ोसियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। जैसे ही पुलिस ने घर में पैर रखा और देखा तो बच्चा पालने में मरा पड़ा था। उसके बाद महिला को 10 साल की सजा हो गई। महिला ने खुद अपना गुनाह कबूला और कहा कि वो बच्चे की देखभाल से परेशान हो चुकी थी, इसलिए बच्चे को छोड़कर पार्टियों में जाया करती थी। उसके पति ने भी उसको तलाक देने का फैसला कर लिया था, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि कैसे माँ थी ये जो अपने बच्चे तक की केयर नहीं कर पाई। बच्चे को भूख प्यास में तड़पता छोड़कर चल दी पार्टी करने। बच्चा भूख से तड़पता हुआ मर गया। वाकई धन्य है ऐसी कलयुगी माँ जो ममता को शर्मसार करती है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया की रिपोर्ट।